नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। BSNL में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, कर्मचारियों की असंतुष्टि के कारण, गवर्नमेंट की गलत नीति के कारण BSNL में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर देखिए अस्थायी कर्मियों ने क्या है विरोध प्रदर्शन। भारत संचार निगम लिमिटेड के अस्थायी कर्मियों ने गत 6 महीने से बकाया भुगतान नहीं होने के विरुद्ध बुधवार को BSNL के सिल्लीगुड़ी क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ, विगत 6 महीने से अस्थायी कर्मियों को सैलरी नहीं दे रही है BSNL, जिसके कारण उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि लगभग 350 अस्थायी कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है। जी हाँ, सोच सकते हैं, अस्थायी कर्मचारियों को भी बकाया भुगतान नहीं कर रहा है। कितना शर्म की बात है। आखिर उन लोगों का परिवार कैसे चलेगा, BSNL को ये सोचना पड़ेगा। इसे लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। जी हाँ, अधिकारी कोई भी समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। बस दिन पर दिन BSNL की स्थिति को और ख़राब करते जा रहे हैं। इसलिए बाध्य होकर हम लोगों ने फिर से आंदोलन शुरू किया है। जी हाँ, इसलिए इन लोगों ने बाध्य होकर फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसा होना ही है, क्योंकि किसी की सैलरी नहीं मिलेगा तो जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, इन लोगों का कहना है जब तक हमारा वेतन नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।